क्या बोलते हैं बंटा बच्ची को हमारे लोग आ गए एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। सेम डे मैं सोया नहीं हूँ रात में, वही जो कल रात में केक खाया सोया नहीं, क्योंकि मैं सोचा मेरे को सुबह 6 बजे उठना है तो मेरी नींद भी पूरी सही तरीके से कवर नहीं होगी, तो के भी मेरा मतलब नहीं रहेगा, उसके लिए मैं सोया नहीं। तो फिलहाल अभी अपने को जाने का है पनवेल हयान को लेने, गाड़ी से जा रहा हूँ मैं, हेलमेट है मेरे पास, ये रहा हेलमेट। तो पहले अयान को लेंगे, अयान बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो अदय वाटरफॉल है वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया, क्योंकि आए दिन अभी बारिश हो रही थी तो उसके वजह से भी पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो सीनरी जो है बहुत औसम औसम है, तो उसके लिए जाके वहाँ पे सीनरी भी लेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी चलो यहाँ से चलते, अपने को खाली आजकल जाते हो अपने को बारिश नहीं मिलना चाहिए, बारिश मिलना तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा, गाड़ी चलाने बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्पेक्स पे पानी आता है तो मेरे को सही से मतलब क्लियर नहीं दिखता है, और हेलमेट जो वो है वाइसर उसको डाउन नीचे करूँगा मैं तो फिर मेरे को पूरा फॉगी दिखेगा, तो होप तो बारिश नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ गोवंडी में, गोवंडी से आया पनवेल, वहाँ से आया इनको लेके आने का यहाँ पे, तो फिलहाल चलो चलते। तो गाइस अभी खड़ा हूँ मैं वाची टोल, जस्ट क्रॉस करा हूँ वाची टोल के आगे खड़ा हूँ मैं, और जो मेरे चश्मे पे देख सकते हैं आप लोग वाटर ड्रॉपलेट, ये वही है जो मैंने बताया था वाइसर मैंने ऊपर करा, तो जो जमीन से जो जमा हुआ पानी है जमीन पे जो हैवी व्हीकल से वो सब उड़ा रहे पानी उन लोगों को, मतलब अभी हम लोग छोटे व्हीकल से टू व्हीलर लोग उससे बड़ी गाड़ी के पीछे आजू बाजू जाएंगे, उन लोग देखते नहीं है वैसे भी, बस अपना जाते रहते पानी हो कुछ जो जाते रहते। तो मैं वाइसर नीचे कर रहा हूँ तो पूरा कीचड़ जो है वाइसर पे उड़ रहा है, और वाइसर जो ऊपर कर रहा हूँ तो पूरा कीचड़ है जो मेरे चश्मे पे उड़ रहा है। तो फिलहाल कैसे कैसे करके जैसे तैसे अपने को पनवेल पहुँचने का है, आते वक्त अयान शायद से ड्राइव कर सकता है पर अभी फिलहाल तो पनवेल जाएंगे, जैसे जैसे पहुँच जाएंगे वहाँ का जो व्यू है वो बताने का है मेरे को, उसके लिए मैं आया हूँ सबसे सुबह सुबह, और मेन रीज़न अयान को भी लेने का है। तो अभी फिलहाल चलो निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पनवेल पहुँचता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइस फिलहाल अभी मैं अयान के घर के बाहर खड़ा हूँ, और फ़ोन करा उसको मैंने आते साथ यहाँ पे, उसने बोला उसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद उसने बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी उसके घर के बाहर ही हूँ, देखते हैं अभी कितने देर में आता है वो, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उसका आना चाहिए, क्योंकि अपने को लोकेशन पे आने का है, हाँ क्योंकि अपने को लोकेशन पे आने का है जो उसने बताया था, बहुत पानी भरा है वहाँ पे, वापस जाएंगे देखेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को थोड़ा सो के जिम जाने का, आज जिम जाने का, क्योंकि कल मैं जिम नहीं गया था, बाहर गया था मैं कपड़े लेने, उस रीज़न से ऐसा स्किप करते रहूँगा मैं रोज़ स्किप करूँगा तो मतलब नहीं है जिम जाके मेरा, तो उसके लिए आज मेरे को स्किप नहीं करने का है, भले से मैं थोड़ा सो के 3-4 घंटे का लाइक पावर नैप लेके जिम जाऊँगा, फिर आने के बाद वापस थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, पर अभी जाके तो मेरे को थोड़ा सोना ही पड़ेगा, क्योंकि जिम जाऊँगा तो ऐसी हालत में मैं नहीं जा सकता जिम, मेरे को मालूम है, और आज जिम मेरे को जाना ही है कुछ भी करके। सो फिलहाल अभी इसके लिए रुकते आयान, देखते कितने देर में आता है, फिर उसके बाद जाएंगे लोकेशन पे, तो ये आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आयान आ गया मेरे साथ, और अभी हम लोग जा रहे हैं उरन जेएनपीटी रोड पे, उसने बोला वहाँ पे मतलब जो हरा भरा इलाका है, क्योंकि अभी बारिश है काफ़ी, तो जो इलाका है वो बहुत, अभी धूप भी आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो हाईवे हम लोग यहाँ पे खड़े, यहाँ से जाते जेएनपीटी रोड पे, जाते जाते रास्ता भी दिखाऊंगा मैं कैसा है, और गाड़ी अभी आयान चला रहा है क्योंकि मेरे को कैमरा पकड़ने करेगा, शूट वूट करने करेगा उसके लिए, चलो चलते और वहाँ का नज़ारा देखते कैसा होगा, मेरे को तो लग रहा है बहुत अच्छा होगा, जाके देखते चलो। गाइस अभी जो पीछे आपको दिख रहा है ये पहाड़, हम लोगों को जो पहाड़ के उधर जाने का ऊपर टॉप पे, और अभी यहाँ पे जो खड़ा हूँ मैं, बारिश आ रही थी हल्की जिसके लिए हम लोग रुक गए थे, अभी फिलहाल बारिश रुक गई है। तो ये रोड है, ये रोड ये गोवा जाता है, और ये वाला रोड उरन जाता है। तो अभी अपने को जाने का ऊपर, जो ऊपर जाने का रास्ता है मतलब zigzag रोड से वहाँ पे जाने मज़ा आएगा, और सीनरी जो है ऊपर से, जो सीनरी आयान बता रहा था मेरे को कि बहुत औसम सीनरी है जो ऊपर से दिखता है,
और अभी बारिश का भी टाइम हो रहा है, हल्का हल्का धूप भी आया, मतलब उजाला का टाइम है और पूरा हरा है ऊपर। और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर भैंस लोग चारा खा रहे हैं। तो चलो अपन चलते ऊपर जाते, आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस वहाँ पे जो दिख रहा है फॉगी हो गया पूरा, तो वहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे भी अभी वापस से हल्की हल्की चालू हो गई है, पर अपने को यहाँ से जाने का है, अपने को जो जाने का यहाँ से जाने का है। और वहाँ पे देख लो आप एक बार, और ये सिटी है, ये यहाँ पे पूरा सिटी इलाका आता है। तो चलो चलते ऊपर, अपने को जो जाने का है यहाँ से जाने का है, ये लेफ्ट यहाँ से जाने का है, और बाकी लोग यहाँ से जा रहे हैं। यही आराम से जाना भाई, मरे यार क्या आज के दिन। चलो यहाँ से जाते ऊपर। गाइस ये टर्न देखो भाई, ये जो टर्न है क्रॉस कर लिए, कोई बात नहीं। और जाके रोड जो है एकदम स्लैंट स्लैंट रोड से, और वो रहा सिटी मेन व्यू। यहाँ से कुछ उतना खास नहीं दिख रहा है, दिख रहा तो अच्छा है मेरे को, पर एक काम करता हूँ मैं ऊपर जाके बताऊँगा, तब तक चलो अपन चलते ऊपर। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग था और आगे भी है, थोड़ा थोड़ा पानी जमा है यहाँ पे, कोई नहीं इतना तो अपन क्रॉस कर ही सकते। बीच बीच में जो रोड से थोड़े ख़राब है, थोड़े मतलब ज़्यादा ख़राब है, गाड़ी टूक मतलब गिर गिर जा रही है, ऐसा स्लिप हो रही है वैसे रोड से, पर आगे सही सही रोड से। और ये देखो यहाँ पे जंगल, ये देखो वापिस से रोड ऐसा आया है, ऑफ रोडिंग टाइप आया रोड, रोड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नीचे कैसे रोड से। और सामने का व्यू देखो भाई, सामने एयरपोर्ट बनने वाला है, पनवेल का जो एयरपोर्ट है वो यहीं पे बनने वाला है। तो चलो आगे आगे बढ़ते। सो गाइस एकदम टॉप पे आ गए हम लोग, जहाँ पे आने का था हम लोग को, पत्थर देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग कहाँ से आए पता है, ये जो ज़िगज़ैग रोड दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ से आए ने, यहाँ से ऊपर तक आए। और यहाँ पे जो है ये पनवेल है, इधर इतना कामोटे, ये खारगर और ये बेलापुर है, बेलापुर का ब्रिज दिख रहा होगा वीडियो में, जो नहीं दिख रहा है पर यहाँ से हम लोग को मतलब ऐसा थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। और ये नीचे का देखो आप। सो गाइस जो आपको एक खाली इलाका दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा ऑलमोस्ट वहाँ तक का, यहाँ तक का मैं आगे आके बता देता हूँ, पूरा इतना बड़ा जो इलाका है जो खाली दिख रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है पनवेल में। जो एयरपोर्ट अभी शायद स्टार्ट तो हुआ नहीं है जो इसका काम है, पर हो सकता है जल्दी स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। सो यहाँ से रहेगा वो एयरपोर्ट, यहाँ का भी आप व्यू देख लो एक बार, सिटी है यहाँ पे भी। तो चलो आगे आगे चलते, और हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह यहाँ पे आने का मतलब अलग ही मज़ा है, मतलब बिना अगर सो के आता था तो अलग मज़ा रहता था मेरे को, पर बिना सो के आया हो फिर भी मज़ा आ रहा है मेरे को, तो जो बात सच बात। और यहाँ पे सामने एक दरगाह है, हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठते तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए।
गाइस, जैसे कि ये यहाँ पे खाई है, मैंने चप्पल उतार दिया क्योंकि वो स्लिप हो रहा था उसके लिए, सो यहाँ से स्लिप ना हो जाए उसके लिए। नीचे आप देख सकते हैं और वहाँ पे एक देखो छतरी दिख रही है, ऊपर से किसी गिरी होगी, उठाया नहीं होगा किसी ने। और ये रॉक्स देख सकते हैं आप लोग, पत्थर यहाँ का। सो गाइस, अभी यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बादल हो गए, पूरा मतलब ऑलमोस्ट काला हो गया है। बारिश आएगी तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि हम लोग को यहाँ से अभी जाने का है चेंबूर, गोवंडी जाने का हम लोग को, सो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो आगे उधर कुछ मतलब और भी मतलब अच्छे अच्छे शॉट्स आएंगे वहाँ पे, तो वो सब लेता हूँ मैं, वो सब सिनेमेटिक्स में ऐड कर दूंगा। वो सब शॉट्स लेने के बाद हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। बारिश चालू हो गई है, हल्की हल्की हो रही है और अभी हवा बहुत जोर से आ रही है, तो एक शेड टाइप पे यहाँ पे दरगाह के बाजू में ही है, तो हम लोग यहाँ पे बैठते थोड़ा देखते, बारिश कम होना चाहिए और होगी तो नहीं मेरे हिसाब से क्योंकि जो बादल है काफ़ी ज़्यादा काले हो गए, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा देर रुकना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी बारिश आ रही है तो दूसरे शेड में जाने का, चलो। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सही जगह मिले हम लोग को अभी फिलहाल जाके, और बारिश यहाँ पे तो एकदम जोरदार होने वाली है। अभी फंस गए यहाँ पे हम लोग, अभी मेरे को वहाँ पे का एक व्यू बताने का है, बारिश अगर हल्की सी रुकेगी तो मैं वहाँ का व्यू बताऊंगा क्योंकि वरना फोन मेरा भीग जाएगा, उसके लिए नहीं बता रहा, मतलब गिल्ला हो जाएगा, खराब ना हो जाए उसकी वजह से। तो बारिश एक बार रुक जाए तो वो सीन बताएंगे और सीधा यहाँ से घर बढ़ेंगे। गाइस, मैंने आप लोग को अभी बताया था वहाँ पे सिटी से, वहाँ पे भी सिटी सब बताया था, पर अभी फॉग इतना हो गया कुछ भी नहीं दिख रहा है का, और हवा भी बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। सो यही था जो मेरे को बताने का था, और वो जो दिख रहा है आपको वो एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है पानी रोकने के लिए। चलो थोड़ा रुकते हैं, अभी बारिश कम होने का इंतजार करते फिर उसके बाद घर बढ़ेंगे। सो गाइस, बारिश रुकी नहीं है तो हम लोग थोड़ा शूट करके हम लोग भी यहाँ से बढ़ जाएंगे, वैसे भी हम लोग को भीगने का ही है तो हम लोग भीग गए ले। तो बता दूँ जो एयरपोर्ट है वो इसका पूरा एयरपोर्ट का है, वो साइड वाला मुझे यहाँ पे पार्टीशन दिख रहा है आपको, एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट बनना है तो उसके सामने होटल्स रहेंगे, तो होटल्स के पार्टीशन अभी से करके रखे, और फिलहाल वहाँ पे ट्रेन रुका है अभी, क्या पता क्या सीन है उसका होने वाला देखो। तो इसके यहाँ पे सिनेमेटिक सब एंजॉय करिए, सिनेमेटिक से लेंगे मैं सीधा करते हैं। हवा दिख रहा है आप लोग को, हवा दिख रहा है कितना फास्ट चल रहा है, आगे पीछे हो जाए हम लोग इतनी फास्ट हवा दिख रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी सही नहीं होगा हम लोग के लिए, तो हम लोग यहाँ से सीधा घर बढ़ेंगे सिनेमेटिक्स लेने के बाद। मौसम पूरा क्लियर हो गया है, एकदम राइट टाइम हम लोग को यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो दिख रहा है आपको फॉगी मैंने बताया था, अभी कम हो गया मतलब पहले से कम हो गया है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते खारगर बेलापुर पहुँचते पहुँचते बारिश पूरी कम हो जाएगी, तो पहले यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। और आज जिम जाऊँगा, आज भी नहीं बनाऊंगा जिम का वीडियो, मेरे साथ कोई है नहीं, सो फिलहाल चलते, आज तो सुबह सुबह इधर आ गए, अभी तो और आगे पूरा दिन बचा, अभी घर पे आके मेरे को सीधा सोने का, फिर जिम जाऊँगा, आज पक्का जिम जाने वाला हूँ मैं, तो चलो चलते। गाइस, हेलमेट पहन लिए ले, नाकाबंदी मिलेगी उसके लिए, और गाड़ी अभी बंद कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा स्लोप है, बिना गाड़ी चालू मतलब बिना गाड़ी चलाए गाड़ी चलेगी, तो चलो चलते। और अपना ब्रेक छोड़ दिया मैंने, ओ भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते ना वैसा फील आ रहा है, उसमें भी ना साउंड रहता, हल्का भी जरा साउंड नहीं रहता।
गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ब्रेक की तरफ एक बार दिखा दो, ये भी ब्रेक दबाया हो और ये वाला ब्रेक भी दबाया हो और गाड़ी रुक रही नहीं है, लिटरली मतलब इतना स्लोप है। और मेन बात तो अपने गाड़ी के ब्रेक भी थोड़े लूज है, पर सच्ची का बहुत ज़्यादा अपना एकदम फास्ट कर रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बच्चे बचा चुके हैं अपने, जैसे कि अपनी सरकार का पेट्रोल दाम बढ़ा दे तो ये सबसे काम चलाना पड़ेगा अपने लोग को, अभी क्या करें। तो चलो चलते आगे का सफर देखते कैसे। गाइस टाइम अभी कुछ हो रहा है शाम के 4 बज रहे और मैं दोपहर में कुछ 11:30-12 बजे तक घर पे आ गया था। और वहाँ से आते वक्त जैसे हम लोग हाईवे पकड़े, इतनी बारिश हुई थी, मैंने शूट भी नहीं करा, शूट करना ही वहीं पे बंद कर दिया, फोन वो सब डिक्की में रख दिया था। आया मैं घर पे, मैं जैसे बोला मेरे को बहुत मन था मेरे को जिम जाने का, पर जिम भी नहीं गया मैं क्योंकि इतना भीगे थे, इतनी ठंडी थी, घर पे आते इतनी मतलब इतनी अच्छी नींद आई थी ना, एकदम सुकून वाली नींद, एसी चालू था, एकदम ठंडा, कंबल ओढ़ के मैं पूरा सोया था, चार घंटा पूरा सोया हूँ, क्योंकि रात में भी सोया नहीं था मैं, उसके लिए मेरे को नींद आ रही थी। और फिलहाल वहाँ से जाके हम लोग आए, बहुत मज़ा आया, सुबह सुबह सब इतना अच्छा नज़ारा देखिए, मतलब सुबह तो मज़ा आया, होप करता हूँ आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा। सो ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, अगर वीडियो देखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस के, तब तक के लिए बाय।